सुरवीर प्रदीप पांडे चिंटू जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर शुक्ला जी हैं, राकेश शुक्ला जी, शिवम जी हैं, और इस वक्त हम लोग सुरवीर की शूटिंग कर रहे हैं। तो प्रदीप जी के नाम के आगे अब लग गया सुरवीर प्रदीप पांडे चिंटू, कैसे हैं सर? हाँ, एकदम बढ़िया। ये आपने बहुत अच्छा टैग किया। ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, किसने बनाया है? ये हमारी विद्या जी ने बनाया है ये ड्रेस। अच्छा, हाँ है ना। हाँ, विद्या जी ने बनाया है। और ये विद्या जी कभी कभी गलती से अच्छा कपड़े बना देती है। क्या कहना चाहेंगे, आज स्कॉर्पियो क्लब लखनऊ में शूटिंग चल रही है, इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सुरवीर बहुत ही भव्य और कमाल की फिल्म, कमाल की कहानी रची हुई हमारी शुक्ला जी की तरफ से, और उतना ही बेहतरीन निर्देशन इन्होंने किया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय इस फिल्म को मैं दूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत, मतलब लोग एक आते हैं मेकर्स कई सारे ऐसा सोच के आते हैं कि भैया चलो एक सिनेमा को बनाओ, लपेटो और ख़त्म करो, लेकिन इस सिनेमा में वाकई में जो बहुत ही दिल से ज़्यादा, और मतलब जो कहते हैं ना तन मन और धन, इन तीनों चीज़ों से जुड़े हुए हमारे शिवराम भाई जो इस फिल्म के निर्माता हैं, हमारे सत्य निर्माता हैं, और हमारे शिवराम जी के बड़े भाई, तो जितने भी ये लोग जुड़े हुए हैं फिल्म में, सुरवीर में, सुरवीर को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है इन्होंने। आप जब ये फिल्म आएगा, जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा, तो आप सबको वाकई में इसकी भव्यता देखने को मिलेगी। गानों में इतने खर्चे किए गए हैं कि आप देखेंगे तो डांसरों की लड़ी लगी हुई है हर गानों में, और एक से बढ़कर एक सीक्वेंसेस शूट हुए हैं। एक्शन बहुत कमाल का शूट हुआ है, एक्शन में मतलब इतने खर्च हुए हैं कि कमाल की है। जब ये फिल्म आएगा तो आप सबको ज़रूर पता चलेगा। शुक्ला जी कैसे हैं आप? प्रदीप जी के साथ फर्स्ट मूवी है सुरवीर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? देखिए, मैंने जब इस कहानी को स्टार्ट किया तो कहानी के टाइटल से आप समझ ही रहे होंगे सुरवीर, राइट। तो मेरे जहन, मेरे दिमाग में जो एक काका था अपने नायक को लेकर के, तो वो चिंटू आर पांडे जी को लेकर, क्योंकि वो जहन में था कि हमारे सुरवीर को सच्चे रूप में, उस करेक्टर को अगर कोई सही रूप में चरित्रार्थ कर पाएगा तो वो चिंटू आर पांडे जी कर पाएंगे, और उन्होंने किया भी है, और वो आपको पर्दे पर भी देखने को मिलेगा। भोजपुरी का सुरवीर मैं ही। आज से प्रदीप पांडे चिंटू के आगे लग गया सुरवीर प्रदीप पांडे चिंटू। सुरवीर प्रदीप पांडे चिंटू, वाह। तो इसमें एक और नाम है यामिनी सिंह जी का। हाँ। यामिनी सिंह जैसे कई फिल्में आपकी ये सुपरहिट रही है, कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यामिनी सिंह जी के बारे में तो मतलब पूरी दुनिया बोलती है कि कमाल की अभिनेत्री है, और जितनी कमाल की अभिनेत्री है उतनी ही कमाल की बाय हार्ट वो व्यक्तित्व है उनका। वो दिल से एकदम बच्ची है, और वो सेट पर रहती हैं तो माहौल इतना खूबसूरत बना के रखती हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत खूबसूरत है। मेरा तो दिल हमेशा लगा ही रहता है उनके साथ, क्योंकि वो जब होती हैं तो मेरा यहाँ वहाँ कहीं और नज़र ही नहीं जाता है उसके अलावा। तो वो उनको मैं अपने क्या बोलता हूँ, सखी बोलता हूँ। आप वीडियो में बोल रहे हैं, माइक में सब पब्लिक सुन रही है, सारी लड़कियाँ सुन रही है, सबका दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सबको पता है कि मेरे अंदर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरा दिल जो कहा था, मेरा दिल दरिया है, बहुत स्पेस है। सुरवीर जैसा नाम है तो क्या इसमें देख रहे हैं दो दो फाइट मास्टर लगे हैं। हाँ, मलेश जी हैं, यादव, दिलीप यादव जी हैं, तो हीरा यादव जी हैं, तो कैसा कुछ खास क्या होने वाला बहुत बड़े स्तर में? हाँ, मैं जैसा कि कहा, टाइटल इतना बड़ा है सुरवीर, और जब टाइटल लेकर आए थे शुक्ला जी और उन्होंने कहा कि सुरवीर पर फिल्म बनानी, मैंने बोला यार टाइटल तो बहुत हैवी है और बहुत बड़ा है, तो मतलब वो जैसा बड़ा टाइटल है वैसे फिल्म बनेगी ना। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हमारे जो निर्माता हैं वो बहुत वो सक्षम है और वो बेहतरीन फिल्म बनाएंगे। और एक्शन जैसा कि आपने कहा कि हमारे मलेश जी, मलेश मास्टर जी जो हैदराबाद से हैं, साउथ से हैं, और हीरा यादव जी, तो दोनों सोचिए जब दो दो फाइट मास्टर्स इस फिल्म में हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इसके एक्शन शूट हुए होंगे। काफ़ी दिनों तक इसके एक्शन चले हैं और बहुत कुछ हुआ है एक्शन में, वो कमाल के सीक्वेंसेस हैं। अभी उस बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्लोज कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा जब आप ट्रेलर देखें। एक डिस्क्लोज अभी तक, राजकुमार पांडे मतलब आपके पिताजी तो नहीं है लेकिन चाचा जी यहाँ पे है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विजय आर पांडे जो इसके डीओपी है। डीओपी है बिल्कुल, इस फिल्म के जो डीओपी है हमारे श्री विजय आर पांडे जी, जिन्होंने हमेशा बहुत कमाल के डीओपी हैं, उनके डेट जल्दी मिल नहीं पाते हम लोगों को, इतने व्यस्त रहते हैं वो। और अभी हमने जब कल गाना कर रहे थे तो क्या लाइटिंग किया था उन्होंने, मज़ा आ रहा था। इस फिल्म का एक एक फ्रेम उन्होंने सजाया है, और चूँकि इस फिल्म के लिए मतलब जितना समय चाहिए एक फिल्म को बनने के लिए उतना समय भी लगा है, और जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है हमारे, मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शिवराम भाई का, सतेंद्र जी का, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है सिनेमा को, एक चाहे पिन से लेके हेलीकॉप्टर तक जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है
तो हर एक चीज चुटकी बजा के इन्होंने उपलब्ध कराया है और तुरंत कराया। सतेंद्र जी बहुत शांत है, क्या बात है? उनकी जो बात हम लोग सुन रहे हैं ना, हमारे चिंटू पांडे जी की, उसको हम लोग तो चिंटू जी के साथ पहली भोजपुरी फिल्म आपकी? हाँ, पहली। तो इसके बाद कुछ और प्लानिंग है चिंटू जी के? चिंटू जी के साथ प्लानिंग है हमारी, और आगे हम एक प्लानिंग नहीं है, हम लोग ज्यादा प्लानिंग के लिए। चलिए, आपका सतेंद्र जी जो है बैंगलोर से है। अच्छा, हाँ, इसलिए आपको बहुत, आपको गाना सुनना है? देखिए, सतेंद्र जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। गाना ही सुना दीजिए सर, गाना सुना सकते हैं तो। मेरे को गाना तो हीरे सुनाएंगे ना। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपको सतेंद्र जी से गाना सुना, आप लोग रात में मिलने कृपया करके। अच्छा। मैं रात में लाइव आऊंगा। सर, आप क्या गाना चाहेंगे आज? तो सुर भी मूवी बहुत ही, मतलब लास्ट दो महीने से चल रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। हमारे चिंटू जी ने बहुत मेहनत किया है इस फिल्म में, उन्होंने हर एक शॉट बहुत क्लियरली देख, शॉट देने के बाद देखते भी हैं, उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी तरह फिल्म बनाने के, आर के शुक्ला जी ने जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है स्क्रिप्ट से, सबका टेक्नीसियन एंड आर्टिस्ट सबको धन्यवाद। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग रिलीज होने के बाद आप जाके जरूर देखें। अरे श्रीराम जी, कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए। चिंटू जी की एक चीज़ क्या है कि जब सेट पे आने के बाद बहुत अच्छे से काम को एक नेक उसे देख के काम करते हैं। अच्छा, हम लोग साथ देखिए एक निर्माता है जो थोड़ा शर्मा रहा है, लेकिन हम शिवराम जी, कैसे हैं आप? आपको ऊपर चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है और ड्रेस भी। ये तो विद्या ने बनाया, ये कौन विद्या ने बनाई है? ये इनकी वाली विद्या ने बनाया। तो ये बहुत शर्माते हैं। तो पहली फिल्म है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी पहली पिक्चर है और इसको, और चिंटू जी बहुत अच्छे, मतलब एक्टर भी हैं और बहुत